I will never hire a digital marketing agency if they don't do this. Namaskar, my name is Avi Arya, and I know that many of you business people, owners, startups believe in the power of digital marketing, लेकिन you don't believe so much in digital marketers. मैं समझ सकता हूँ बहुत लोगों की वजह से आपने अपने हाथ जलाए हैं. You work with wrong agencies, people who don't know what to do. And you know what? Today I'm going to list down how to choose the right agency and specifically क्या आपको नहीं करना चाहिए. What are the red flags? So watch this video till the very end and take notes. And अकेले मत देखिएगा इसको. अपने co-founders टीम के साथ जरूर शेयर करना, बिकॉज आपकी जगह अगर कोई और डिसीजन मेकर होगा कंपनी में और अगर उसने गलत एजेंसी चूज कर ली, अगेन यू गोइंग टू वेस्ट मंथ्स एंड मंथ्स ऑफ टाइम एंड मनी. ओके, सो वॉच नाउ. नंबर वन, सबसे पहला रेड फ्लैग, व्हेन यू कॉल एन एजेंसी. आप लीड भरते हो, फेसबुक पे ऐड देखा, गूगल पे ऐड देखा, आपने लीड भरा और 24 to 48 आवर्स तक क्रिकेट्स, सन्नाटा, कोई जवाब नहीं. इसका मतलब दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड. कोई ऐसा बिजनेस नहीं होता जो बिजी है, दे आर जस्ट नॉट ऑर्गेनाइज. तो पहला आपका माथा ढलकना चाहिए, यार ये अगर मेरे को जवाब देने में इतना टाइम लगा रहे हैं तो बाद में कितना होगा. पैटर्न सेम है, कुछ रिपीट नहीं होगा. अगर शुरू में टाइम लग रहा है तो बाद में भी टाइम लगेगा, शुरू जल्द में जल्दी होगा तो बाद में भी जल्दी होगा. सेकेंड, जब वो आपको रिवर्ट कर रहे हैं और आपसे अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं तो व्हाट आर द क्वेश्चंस दे आर आस्किंग, बिकॉज बहुत सारी एजेंसीज जल्दी में होती है आपको प्रपोजल देने के लिए. एक्चुअली थोड़े से आप भी जल्दी में होते हो प्रपोजल मांगने के लिए, तो थोड़ी आपकी गलती है, थोड़ी उनकी गलती है, एंड वो प्रपोजल आपको भेज देते हैं. सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये है. आई वुड नेवर वर्क विद एन एजेंसी जो सबसे पहले प्रपोजल भेज देते हैं विदाउट डायग्नोसिस. ये तो वही बात हो गई, आप एक डॉक्टर के पास गए, जैसे ही आप क्लिनिक में गए उन्होंने दरवाजा खोला और जैसे ही आप गए उन्होंने बोला आपका टाइम कम वेस्ट हो इसीलिए मैंने आपका दवाइयाँ रेडी रखी हुई थी, ये आपकी दवाइयाँ हैं. अरे डॉक्टर साहब पूछ तो लो, कहाँ दर्द हो रही है, रात को नींद नहीं आ रही, यहाँ दर्द हो रही है, वहाँ दर्द हो रही है, पिछले डॉक्टर के पास गया था तो क्या हुआ था, कौन सी दवाई नहीं है, मुझे वेट लूज करना है, वेट गेन करना है, मेरा ब्लड टेस्ट तो करवाओ, कुछ ऑक्सीजन मीटर लगाओ, कुछ तो पूछो मेरे बारे में. आप तो मेरे बारे में कुछ जानते ही नहीं हो, आपने ऑलरेडी मुझे पर्चा थमा दिया. इसका मतलब ऐसे ही पर्चा आप दूसरों को भी थमाते होंगे. इसका मतलब दिस इज अ कुकी कटर असाइनमेंट दैट यू आर गिविंग टू मी. इसका मतलब मेरे कुछ पर्सनलाइज तो किया नहीं है. सो ह्यूज रेड फ्लैग. एवरीबडी सेज एसईओ, पीपीसी, सोशल मीडिया वगैरह करेंगे, इतने में करेंगे, इतने में करेंगे, हमारी केस स्टडी है. ऊपर आपका फ्लैग, आई वुड नेवर वर्क विद एन एजेंसी विच डज नॉट एटलीस्ट गिव मी 2 से 3 घंटे का होमवर्क. इसका मतलब ऐसे सवाल आपसे पूछें जिनको आपको भरने में लगे, यार इसको मैं घर लेके जाऊंगा, रात को भरूंगा. फिर आप उसके सवाल पूछ रहे हो और जब आप उन सवालों के जवाब दे रहे हो आपको लग रहा है यार ये तो मुझे बहुत डीप में जाना पड़ रहा है, इतना तो मैंने अपने बिजनेस के बारे में सोचा ही नहीं था. और 15, 20, 25 सवाल तक का जब आप जवाब देते हो तो आपको बहुत कुछ अपने बिजनेस के बारे में सोचने को मिलता है और आपको ये समझ आता है, हाँ यार इस डायग्नोसिस के बिना, इस एक्सरे के बिना, इस ब्लड टेस्ट के बिना मैं वैसे भी अपना इलाज कैसे करा सकता हूं. तो आप वो 21-30 क्वेश्चंस का आंसर देते हो. उसके बाद वो 2 से 3 दिन लगाते हैं, फिर वो आप लोग को जूम कॉल पे या इन पर्सन मीटिंग में मिलते हैं. सो दैट इज व्हाट आई वुड रेकमेंड. थर्ड एंड सबसे जरूरी चीज, जब आप लोगों की आपसी रिलेशनशिप देख लोगे आपको समझ आ जाएगा आपकी रिलेशनशिप कैसे चलने वाली है. मतलब एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, आई वुड नॉट वर्क विद एन एजेंसी जहां मैं उनकी टीम में डिसकोऑर्डिनेशन देखूंगा. डिजाइन टीम से लेके, सोशल मीडिया टीम से लेके, बिजनेस डेवलपमेंट टीम, क्या वो एक साथ बिजनेस के बारे में बात करके रेडी करके आए हैं या किसी ने भी कुछ भी भेज दिया है आपको. ठीक है, आपने 21 का जवाब दिया है, लेकिन व्हाट आर द पर्सनलाइज्ड एग्जांपल्स दैट दे हैव सेट फॉर यू. हैव दे डन एनी काइंड ऑफ स्टडी, कंपटीशन एनालिसिस करके आए हैं नहीं. और जब आपने सोशल मीडिया टीम से पूछा वर्सेस आपने उनकी एग्जिस्टिंग सेल्स टीम से पूछा तो क्या उसमें कुछ सिंक बन रहा है कि नहीं. देखिए सेल्स टीम को तो बेचना आता है और अच्छे बातें करनी आती है, लेकिन जिन टीम ने आपका काम करना है प्रपोजल के पास पहुंचते पहुंचते आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू मीट द टीम एज वेल. और अगर मैं हूँगा तो फाउंडर को जरूर मिलूंगा देखने के लिए कि एनर्जी कहाँ से आ रही है, हु आर द पीपल हु रनिंग इट, उनका क्या बैकग्राउंड है. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स आई वुड नॉट डू इफ एन एजेंसी हैज दिस. इनके साथ मैं नहीं काम करूंगा. सो ये अपने वीडियो अपनी टीम के साथ शेयर कीजिए और ये रेड फ्लैग्स चारों लगा दीजिए अपने ऑफिस में. जैसे आपने किसी से बात करने की कोशिश करी इनमें से कोई भी रेड फ्लैग हो तो थैंक यू, टाटा, बाय बाय करके अपनी सर्च को कंटिन्यू रखिए. फाइंड द राइट एजेंसी. कभी ना कभी की भी गलती होती है, जल्दबाजी में आप उस एजेंसी को ले लेते हो जिनके सिस्टम्स पहले से ही दिख रहे हैं टूटे हुए हैं, रेड फ्लैग्स पहले से ही आ रहे हैं, यूर इन हरी, आप प्रेशर बना रहे हो और एक जिंदगी का एक बहुत अहम पार्टनर आप ऐसे ले आते हो जब उसको टाइम लगाना चाहिए उसको लाने के लिए. अच्छा, आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा. और एजेंसीज को कैसे ढूंढना है, विच आर द गुड एजेंसीज फॉर ट्रैवल, फॉर रेस्टोरेंट, फॉर हॉस्पिटैलिटी, फॉर रियल एस्टेट, इसके लिए मेरे दूसरे वीडियोस हैं, इनको जरूर देखिए. ये 7-8 वीडियोस की सीरीज देखने के बाद यू विल कंप्लीटली बी इक्विप्ड टू चूज द राइट एजेंसी इन इंडिया और एनीवेयर इन द वर्ल्ड सो दैट यू कैन हैव अ गुड प्रॉफिटेबल बिजनेस. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.